फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ हम नॉर्थ इंडियन घरों की सबसे रिपीटेड ब्रेकफास्ट रेसिपी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही पहचाना, आज मैं बनाऊंगी आलू का पराठा, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है जब भी उन्हें स्टफिंग करनी होती है आलू के पराठे में, आलू की या कोई भी, चाहे मूली का पराठा हो, गोभी का पराठा हो, जब भी बात आती है स्टफिंग की और उसको बेलने की पराठे को, तो उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि वो सबकी एक ही शिकायत रहती है कि उनका मसाला या जो भी स्टफिंग उन्होंने की है वो बहुत जल्दी निकल जाती है जैसे ही वो बेलना स्टार्ट करती है, और वो परफेक्ट राउंड शेप का एक अच्छा सा प्रेजेंटेबल पराठा नहीं बना पाते। इस तरीके से आप उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं, वो मैं आज अपनी रेसिपी में आपको बताऊंगी। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या सामान चाहिए अपने आलू के पराठा बनाने के लिए। सबसे पहले मैंने ये सॉफ्ट डो तैयार कर लिया है आटे का, और ध्यान रखें कोई भी स्टफिंग वाला पराठा आप बना रहे हैं तो उसका आटा बिल्कुल सॉफ्ट होना चाहिए। उसके बाद मैंने ये आलू की पिट्ठी भी तैयार कर ली है, इसमें मैंने प्याज, हरी मिर्च और बाकी सूखे मसाले डाल लिए हैं। साथ ही साथ गार्लिक को मैंने तवे पर सूखा ड्राई रोस्ट कर लिया है और उसको भी इसमें ऐड कर दिया है। और इसमें आप अपनी पसंद की कोई और साथ में, जैसे पनीर को ग्रेट करके या चीज़ को ग्रेट करके भी डाल सकते हैं, वो बच्चों को उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। या ओरिगेनो सीजनिंग भी आप इसमें डाल सकते हैं, एक वेरिएशन हो जाएगा पराठे में और फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा और बच्चों को बहुत पसंद आएगा। एक चीज़ का ध्यान रखें, आलू बॉईल करते टाइम आप बहुत कम पानी लें, क्वांटिटी बहुत कम लें कुकर में, और जैसे ही आपके आलू बॉईल हो जाएं उन्हें साफ के साथ कुकर में से निकाल लें। अगर आप उनको ज़्यादा देर तक पानी में छोड़ देंगे तो वो पसीज जाते हैं। उसके बाद ये मैंने सूखा आटा ले लिया है पराठे बेलने के लिए। ठीक है, तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू के पराठे फटाफट। सबसे पहले आटे की लोई बनानी है, तो आपको दो लोइयाँ बनानी है एक पराठे के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो एक लोई जो आप रेगुलर नॉर्मल पराठा बनाते थे उसकी हाफ होनी चाहिए, उसकी हाफ क्वांटिटी का आटा आपको लेना है और उसकी लोई बनानी है इस तरीके से, और बिल्कुल रोटी की तरह इसको बेल लेना है। तो ये मैंने लोई तैयार कर दी है, अब इसको बेल लेते हैं सूखा आटा लगा के। अब ये रोटी बिल गई है, अब इसका सूखा आटा हम झाड़ लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी इस पे सूखा आटा था। और सेम इसी तरीके से एक और पतली लोई हम तैयार करेंगे और फिर उसे बेल लेंगे। तो ये एक और रोटी तैयार हो गई है, इसका आटा भी हम एक्स्ट्रा जो भी इस पर सूखा आटा या पलोथन जिसे कहते हैं वो लग जाता है, उसको हम इस तरीके से दोनों हाथों की हेल्प से झाड़ लेंगे। अब इसके ऊपर एक अच्छी सी लेयर आलू की हम या जो भी हमारी स्टफिंग है उसकी लगा देंगे। और यहाँ पे हमें पराठे के फटने की बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तो इसलिए आपका जितना मन हो उतनी स्टफिंग आप यहाँ पर लगा सकते हैं। बस एक बात का ध्यान रखना है कि ये जो रोटी हमने बेली है इसके जो चारों तरफ की सर्कमफ्रेंस है उसका थोड़ा सा हिस्सा आपको बचा के रखना है, उस पर आपको स्टफिंग नहीं लगानी है। तो इस तरीके से आप सेंटर से शुरू करते हुए चारों तरफ उस स्टफिंग को फैलाते जाएंगे और कोशिश करेंगे कि इवन तरीके से वो स्टफिंग लग जाए।
अब आपको ये दिख रहा होगा, ये मैंने चारों तरफ बिल्कुल प्लेन छोड़ दिया है ये पोर्शन। अब इसको सेंटर में करके और जो इससे पहले हमने रोटी को बेला था वो बिल्कुल सेम इसी के ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे। उसके बाद हल्के हाथों से हम चारों तरफ आपस में दोनों रोटियों को चिपका देंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से प्रेस करना है आपको, यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। बिल्कुल हल्के हाथों से इसी तरीके से आप चारों तरफ से प्रेस करते जाइए और वो आपस में दोनों रोटियाँ चिपक जाएंगी। अब ये बिल्कुल अच्छे से आपका पराठा तैयार हो गया है। हल्का सा आटा लगाकर इस पर दोनों तरफ से और एक बार बिल्कुल हल्के हाथों से इसे एक बार फिर से बेल लेंगे ताकि जो स्टफिंग है वो थोड़ी और ज़्यादा स्मूथ हो जाए। और ये हमारा पराठा बिल्कुल रेडी हो गया है सिकने के लिए। तो चलिए एक बार फिर से इस तरीके से दोनों हाथ की हेल्प से हम जो भी इस पे एक्स्ट्रा या सूखा आटा लगा हुआ था उसको हटा लेंगे। तो चलिए अब सेकते हैं। और ये गर्म तवे पे मैंने उस पराठे को डाल दिया है और बिल्कुल नॉर्मल तरीके से जिस भी तरीके से आप अपने घर में पराठे बनाते हैं उसी तरीके से इसको भी सेकना है। तेल में, घी में, बटर में, जो आपका मन हो आप उसको लगाकर इसे सेक सकते हैं। अब ये देखिए ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे बबल्स आ गए हैं। अब इसको एक बार पलट देते हैं और ये कुछ हद तक सिक गया है एक तरफ से। अब इस पर घी अप्लाई कर देंगे। देखिए कितने अच्छे से ये पराठा हमारा फूल गया है, बिल्कुल चपाती की तरह फूल गया है पराठा। अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए, घी दोनों तरफ अप्लाई हो चुका है, अब इसको हल्के हाथ से प्रेस करते हुए सेक लेंगे। एक तरफ से ये अच्छे से सिक गया है, दूसरी तरफ से भी इसी तरीके से हम सेक लेते हैं क्योंकि ये पराठा बिल्कुल फूल गया है। तो ध्यान रखें कॉर्नर्स को प्रेस करना ज़रूरी है वरना कॉर्नर कच्चे रह जाएंगे। तो इसी तरीके से चारों तरफ हल्के हाथ से दबाते हुए दोनों तरफ से पराठे को सेक लीजिए। तो देखिए बिल्कुल गोल परफेक्ट शेप का पराठा बनकर तैयार हो चुका है। स्टफिंग कहीं से भी नहीं निकली है और आप इसी तरीके से इसी प्रोसेस से किसी भी स्टफिंग का पराठा बना सकते हैं बहुत आसानी से। अब हमारा गर्मा गर्म पराठा तैयार है, आइए इसे सर्व करते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे से ढेर सारी फिलिंग के साथ हमारा पराठा तैयार हो चुका है और अभी भी बहुत गर्म है ये। तो आप अपने मनपसंद रायते, दही, मक्खन, अचार, किसी भी चटनी के साथ इसे परोसिए और खाइए गर्मा गर्म। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये पराठा बनाने का स्टफ पराठा बनाने का ट्विस्ट थोड़ा सा भी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करना। अगर आप नए हैं मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले तक पहुँचे। तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पर ख़त्म करती हूँ, मैं अपना पराठा एंजॉय करती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय।